पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायकों का अनोखा प्रदर्शन। मच्छरदानी लेकर सरकार पर साधा निशाना। क्या है बीजेपी विधायकों के प्रदर्शन के पीछे का सच? पश्चिम बंगाल में डेंगू के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। राज्य में डेंगू के कहर के बीच चौक चौराहों से लेकर विधानसभा तक इसे लेकर चर्चा की जा रही है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी बीजेपी ने डेंगू का मुद्दा उठाया और मौजूदा हालातों पर चिंता जताई। वहीं विधानसभा में पेश किए गए स्थगन प्रस्ताव पर बहस कराने से इनकार करने पर बीजेपी विधायकों ने इसके विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने पहले विधानसभा की कार्यवाही से वॉकआउट किया और फिर मच्छरदानी लेकर विधानसभा के बाहर नारेबाजी भी की। बीजेपी विधायकों ने मच्छरदानी और मच्छर का सिंबल लेकर विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी की और ममता सरकार के खिलाफ हमला बोला। बीजेपी की ओर से किए जा रहे इस प्रदर्शन को पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने नाटक करार दिया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए समीक्षा बैठक भी की थी। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदम की जानकारी विधानसभा को देने की मांग की। वहीं स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आज स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन अध्यक्ष ने इस पर बहस कराने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री के पास ही स्वास्थ्य विभाग का दायित्व है और स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा आती नहीं है। क्या कदम उठाए गए राज्य की जनता जानना चाहती है। डेंगू पर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, ये जानकर सीएम ने कल कोलकाता में समीक्षा बैठक की थी। यदि सीएम सदन नहीं आ रही है तो कोई मंत्री सदन में डेंगू को लेकर उठाए गए कदम को लेकर बयान दे। शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि साल 2017 के बाद से राज्य में 1,00,000 के करीब लोग डेंगू से संक्रमित हुए हैं। डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप कोलकाता, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और सिलीगुड़ी में देखने को मिल रहा है। मामले सामने आने के अलावा डेंगू लोगों की जान भी ले रहा है। कोलकाता पुलिस ASI वेलियाघाट ID वाइस प्रिंसिपल की डेंगू से मौत हुई है। मुख्यमंत्री के पास 12 सालों से स्वास्थ्य विभाग का भी पदभार है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग का कोई सवाल नहीं लिया जाता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में डेंगू के 416 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 6,343 ब्लड सैंपल लिए गए थे। उधर एक दिन में 378 लोग डेंगू के शिकार हुए थे। इसी दिन 5,881 सैंपल जांचे गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।